नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अपने गार्डनिंग में व्यस्त हूँ। दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में अपने कुछ भी जो भी पौधे लगाए हों उनको कुछ ना कुछ देखभाल करने में लगे होंगे। किसी के पौधे खूब अच्छे खिल रहे होंगे, किसी के पौधों में कुछ बीमारी लग गई होगी तो उसको ठीक करने में लगे होंगे। तो आज मैं वही आपको दिखलाने वाली हूँ कि कुछ पौधे मेरे भी बहुत ही सुंदर खिल रहे हैं। जैसे ये देखिए, मोगरा का पौधा, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कितने भी कोशिश कर लीजिए उसमें कोई भी अच्छी ग्रोथ भी निकल कर सामने नहीं आ रही है। गुड़हल की कुछ कलियां जो हैं गिर रही हैं, कुछ पूरे पूरे तरह से ओपन नहीं हो पा रही हैं, और कई सारे गुड़हल में कलियां ही नहीं आ रही हैं। तो ये सब समस्याओं का आज मैं एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार लेकर आई हूँ, जो कि घर के ही सामानों से आप बना सकते हैं और अपने ख़राब हुए पौधों को रिवाइव कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। और अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो ट्रीटमेंट है उनकी सभी लोगों को ज़रूरत होती है, खासकर बिगनर्स को। जो गार्डनिंग में नए नए हैं उनको तो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी मेरी ये वीडियो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी कि नहीं लगी, कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करें इन एलोवेरा के कुछ पौधों के साथ। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा हम सबके घर में मिलता है, सबको बड़े शौक से लगाते हैं, क्योंकि जितना ही इसका गुणों का बखान करें उतना ही कम है। ये एक औषधीय पौधा है और जितने भी स्किन डिजीज़ हैं इनके लिए इसका यूज़ होता है। सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका यूज़ होता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, जले कटे पर अगर कोई उपचार करना होता है उसके लिए। तो एलोवेरा हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, तो उसी को लेकर मैं एक आज बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे यूज़ करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन के अपडेट हमेशा ही दिखाती रहती हूँ। कोई भी नया फूल खिले मैं आपको बिना दिखाए नहीं रखती हूँ। ये कुछ लिली के फ्लावर्स हैं जो कि रेनी सीजन आते ही खिल जाते हैं। तो उसी तरह कई सारे फ्लावर ऐसे हैं जो नहीं खिल रहे थे, ये रेनी सीजन आने के बाद सब खिलने लगे हैं। और ये पोटुला का तो गर्मियों में काफ़ी शानदार फ्लावरिंग किया है और अभी भी कर ही रहा है दोस्तों। तो इस तरह के कुछ फ्लावर्स हमारे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे बेजान से हो गए हैं। दोस्तों, इन दिनों हमारे यहाँ गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ी है और उसके कारण काफ़ी सारे पौधे बहुत ही सुस्त चल रहे हैं, और काफ़ी में कुछ अलग ही चेंजेस नज़र आए हैं जो देखने में अब आ रहे हैं रेनी सीजन में। क्योंकि रेनी सीजन में पौधा रिवाइव होता है, लेकिन रेनी सीजन होने के बावजूद, बरसात पड़ने के बावजूद भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी भी उसी तरह से सुस्त पड़े हुए हैं और कोई ग्रोथ देखने में सामने नहीं आ रही है। फूल की बात तो दूर ही है। तो ऐसे कुछ पौधे जो हैं बीमार से चल रहे हैं, उन्हीं पौधों के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र लाई हूँ दोस्तों, जो बड़ी आसानी से आप घर में अपने घरेलू चीज़ों से बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो कभी भी नुकसान नहीं करता, अगर ज़्यादा भी डल जाए तो। और फ़ायदा तो करता ही है, थोड़ा करे या ज़्यादा करे, लेकिन ज़रूर फ़ायदा करता है। तो आप भी ऐसे फर्टिलाइज़र को ही प्राथमिकता दें जो आपके गार्डन पौधों को नुकसान ना कर पाए। ये देखिए, ये कुछ बीमार से बेजान से पौधे हैं जो खिल ही नहीं पा रहे हैं, पत्तियां पीली कर चुके हैं या पत्तियां ही नहीं निकाल पा रहे हैं, कलियां भी नहीं निकाल पा रहे हैं, या जो कलियां निकल रही हैं वो भी पीली होकर गिर जा रही हैं, कुछ कलियां निकली भी हैं तो ओपन नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे ऐसे ही ट्रीटमेंट के लिए ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है। तो देखिए मैंने कैसे कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने एलोवेरा का चुनाव किया है, जो फ्रेश एलोवेरा हमारे यहाँ है उसी का चुनाव करें दोस्तों। और ये देखिए, गुलाब के पौधों की भी का भी यही हाल है हमारे यहाँ। तो
तो ये देखिए मैंने एक बड़ा सा प्लांट ही लेकर मैं आ गई हूँ ऊपर से छत से, क्योंकि ये प्लांट भी अलग ही हो गया था अपने मदर प्लांट से, तो इसको मैं लेके आई हूँ और इसी का मैं फर्टिलाइज़र बनाऊँगी। सबसे पहले तो इसकी पत्तियों को मैं कट कर लूँगी, सारी पत्तियाँ इसकी कट करके देखिए इस तरह से इतना सारा हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे पौधे हैं जो ट्रीटमेंट के लिए की ज़रूरत है जिनको, तो काफ़ी अच्छी तादाद में मैं ये फर्टिलाइज़र बनाई हूँ। ये देखिए मैंने कितनी सारी पत्तियाँ इसकी कट कर ली हैं, और पत्तियों को कट करने के बाद मैं इसको कोई भारी चीज़ से थोड़ा क्रश कर लूँगी। देखिए ऐसे क्रश करके इसका गूदा जो है बाहर निकल जाता है, इसका जेल जो है बाहर निकल जाता है, तो सारे पत्तियों के जो टुकड़े हैं उनको मैं क्रश करके देखिए उसमें पानी डाल दिया है। ये देखिए पानी डालते ही 1-2 मिनट के अंदर ही इसका कलर देखिए कैसा हो गया पानी का, ये अपना एक्सट्रैक्ट जो है पानी में छोड़ रहा है। तो इस तरह से मैं 2 दिनों के लिए इसको रख दूंगी, तो सारे एक्सट्रैक्ट इससे बाहर आ जाएंगे, जितने भी गुण हैं इसके एंटी एलर्जिक या फंगिसाइड का गुण इसमें होता है, हार्मोन रूटिंग हार्मोन का इसमें गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये सारे गुण इसमें रिवाइव होके निकल के आ जाएंगे। तो 2 दिनों के लिए छोड़ दे, तब तक के लिए क्या करें अपने जितने भी प्लांट आपको जिसमें खाद देना है उनकी गुड़ाई कर लें, क्योंकि गुड़ाई करने से एरेशन हो जाता होता है दोस्तों। तो सारे पौधे, ये सारे मेरे गुलाब के पौधे हैं जो बिल्कुल ही बेजान से हो गए हैं, कभी कलियां निकल के 1-2 फूल खिल भी जाते हैं, लेकिन अगले ही समय में ये फिर से वैसा ही सुस्त हो जाता है। कितने भी फंगिसाइड मैंने इसमें स्प्रे किए हैं और कई बार मैंने खाद भी डाला है, लेकिन फिर भी इसका वही हाल है। गुलाब के पौधों के लिए पीएच एसिडिक होना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक और चीज़ इसमें मिलाऊंगी ताकि इसका पीएच बैलेंस रहे। ये देखिए एक्सट्रैक्ट निकल कर कैसा हो गया है, और अब मैं एक और चीज़ मिलाऊंगी जो है नींबू का छिलका, जो नींबू यूज कर लेते हैं हम लोग घर में उसी को मैंने पानी में भिगो दिया है। ये 4 दिनों का रिजल्ट है दोस्तों, करीब करीब 8-10 नींबू के छिलके को मैंने डुबो दिया है पानी में और एक बोतल में भर दिया है, और उसको हिलाते रहते रहना ज़रूरी है क्योंकि फंगस होने लगता है फिर। और इस तरह से देखिए इसका 100 ml पूरा कंसंट्रेट है, ये इसका 100 ml मैं लूँगी। और ये देखिए इसमें कुछ भी अगर चला भी जाता है मिट्टी में, अगर डालने में फर्टिलाइज़र में, तो कोई बात नहीं, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फंगस भी नहीं लगता है। और 200-250 ml मैं इसका एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट ले रही हूँ, इन दोनों को मैं मिलाऊंगी दोस्तों। और ये 4 लीटर का मेरा पेंट का बकेट है, ये देखिए 200-250 करीब करीब आधा लीटर है, तो आधा लीटर इसको मिलाऊंगी। और ये 4 लीटर का मेरा पेंट का ये बकेट है, डब्बा 4 लीटर का है, इसके पूरा पानी से मैं फिल करूंगी, ये देखिए। और जिन जिन पौधों को ज़रूरत है उनको मैं जैसी जैसा गमला है जैसा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से मैं सभी में डाल दूंगी। ये देखिए ये गुड़हल का पौधा कैसा मरा मरा सा है, पत्तियाँ भी ठीक से नहीं निकल पा रहा है दोस्तों। ये देखिए इसके पत्ते एक जोरा के सारे पीले पड़ गए हैं, तो पीएच के कारण भी होता है, मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाने से पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। तो नींबू का जो एक्सट्रैक्ट है वो पीएच बैलेंस करने में काम आएगा दोस्तों, ये एसिडिक होता है, और गुड़हल और गुलाब को एसिडिक सॉइल चाहिए। ये देखिए ये मेरा बहुत ही पुराना गुड़हल का पौधा है, ये अब अंतिम सांस से गिन रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ एक संजीवनी देकर। और ये गुड़हल का पौधा इतनी ही कलियाँ खिलाता है, उसके बाद पूरा खिल नहीं पाता, तो सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। गुलाब के पौधों को सारे गमलों को मैंने गुड़ाई कर दी है ताकि एरेशन भी हो सके, और जिनमें जिनकी मिट्टी सूखी है उसी में मैं अभी फर्टिलाइज़र डालूंगी, बाकी इसको दिन भर के लिए छोड़ दूंगी, शाम को फिर फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी। तो इस तरह से जब भी गुड़ाई करें तो थोड़ा टाइम इसको दें एरेशन होने के लिए, ताकि अंदर अंदर तक हवा ऑक्सीजन पहुंच सके। और जिन जिन गुलाब के पौधों में ज़्यादा प्रॉब्लम है उनमें अभी मैं दे रही हूँ, और जिनकी मिट्टी सूखी है उनको मैं दे रही हूँ। रात में मेरे यहाँ बारिश हुई है दोस्तों, और काफ़ी सारे गमले भीग गए हैं, ये सारे शेड में थे इसलिए इनमें पानी नहीं गया है, तो इनको मैं अभी इनमें फर्टिलाइज़र दे दूंगी और अगले दिन मैं दूसरे को दूंगी। और नींबू के छिलकों का जो मैं फर्टिलाइज़र बनाई थी उसमें मैं और पानी डालकर छोड़ दी हूँ, ताकि रात रात भर में ये और भी इससे एक्सट्रैक्ट निकल सके।
और फिर से पौधों में दिया जा सके। तो ये इस तरह से आप भी फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने खराब हुए होते हुए पौधे को रिवाइव कीजिए। दोस्तों, गार्डनर को यही लगता है कि मेरा एक भी पौधा ना मरे, उसके लिए हम नित नई कोशिश करते रहते हैं। और गार्डन हरा भरा और खिला हुआ ही अच्छा लगता है दोस्तों। मरते हुए पौधे किसी को भी नहीं अच्छे लगते हैं। और हमेशा लगता है कि गुड़हल में, गुलाब में खूब सारी कलियाँ आएँ, खूब सारे फूल खिलें, कुछ सब्जियों के भी जो पौधे हैं वो भी लहलहाते रहें। तो यही सब कोशिश मैं करती रहती हूँ। आप भी इस तरह का फर्टिलाइज़र डाल के बना कर ज़रूर डालें अपने पौधों में और देखिए फिर रिजल्ट कैसा मिलता है। और फिर से पौधे अच्छे हो जाएंगे और फिर से फूल खिलने लगेंगे। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो ख़राब नहीं हुए हैं उनके लिए भी, तो उनमें भी डालें। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। ओके, बाय बाय माई फ्रेंड्स, टेक केयर।